मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एसिड्स के बारे में बताऊंगी। एसिड्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जब हम उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाता है एच पॉजिटिव आयंस में, हाइड्रोनियम आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। एसिड अगर हम बात करें, सिट्रिक एसिड जो कि हमें लेमन में मिलता है, ऑरेंजेस में मिलता है, आपने उन्हें टेस्ट किया होगा। अगर आप उनको टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट सॉर होता है। और एसिड्स की और प्रॉपर्टी क्या है, ये ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड्स को जब पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है, जब एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि पानी में घुलते ही ये एच पॉजिटिव आयंस बना देते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, मैं आपको बताऊंगी एसिड कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड या फिर कहें तो मिनरल एसिड्स होते हैं, जिन्हें जब पानी में घोला जाता है, पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर और एच पॉजिटिव आयंस को पूरी तरह से अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मतलब इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे से पास हो सकती है, या फिर यूं कह लीजिए कि करंट पैदा हो सकता है। तो ऐसे एसिड्स जिनको पानी में घोलने पर उनमें से करंट पास किया जाए तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी वीक एसिड्स के बारे में। वीक एसिड्स जो हैं, जो भी एसिड्स हमें फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से मिलते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स से एसिड्स मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। और वीक एसिड का मतलब क्या है, जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरह से एच पॉजिटिव आयंस में नहीं टूटता। मतलब वीक एसिड्स आर दोस एसिड्स विच आर पार्शियली डिसोशिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर इनटू एच पॉजिटिव आयंस, जो पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं वीक एसिड्स। तो जितने भी सब्जियों में, फलों में और प्लांट के प्रोडक्ट में हमें एसिड मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड्स। तो एसिटिक एसिड है, विनेगर है, सिट्रिक एसिड है, ये सभी क्या है, वीक एसिड। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट एसिड। जब हम पानी के बीच में एसिड को मिक्स करते हैं तो हम उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बना देते हैं। तो ऐसे एसिड जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उन्हें हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। सभी एसिड जो हैं उनको हम डाइल्यूट भी बना लेते हैं, मतलब पानी में ज़्यादा क्वांटिटी वाटर लेकर थोड़ा सा क्वांटिटी हमने उसमें एसिड डाल दिया तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया उसी एसिड का। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं मींस प्योरली एसिड, जिनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ही कम होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन दैट देम, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और इन पर वार्निंग साइन भी बना हुआ होता है, जो आपकी बुक्स में भी बना हुआ है कि विदाउट एनी टीचर और एनी एल्डर्स असिस्टेंस यू आर नॉट सपोज टू टच द दैट एसिड्स। ओके, तो आपने कंसंट्रेटेड जो एसिड्स हैं या कंसंट्रेटेड बेसिस हैं, आपने उनको कभी भी टच नहीं करना होता विदाउट टीचर्स परमिशन। तो बच्चों, अभी मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया, तो अब मैं आपको बुक के थ्रू और आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बताऊंगी कि एसिड्स जो हैं वो किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरह से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। कई प्लांट्स प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट जो कि एसिड बेस इंडिकेटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, उनमें रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक और हाइड्रेंजिया, पेटोनिया और जेरेनियम के फ्लावर्स भी होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि एसिड किस तरह से रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। रिएक्शन विद मेटल। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू गिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल का सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। देखिए,
जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, मेटल का सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को हमने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। फिर से हमने सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ हुआ। हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ रिलीज़ होती है, और जब हम इसके पास बर्निंग मैस्टिक लेकर आते हैं तो ये और ज़्यादा फ्लेम जो है उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि उसकी जो जो उसमें से आग निकल रही है वो और तेज़ हो जाती है। हाइड्रोजन जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, एसिड जब मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है मेटल का सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये आग बुझाने का काम करती है। अगर हम जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो इसके पास बर्निंग कैंडल लेकर आएँ तो वो बुझ जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसी तरह से हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया तो हमें मिला सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कब होती है बच्चों, जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मेटल का सॉल्ट और वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला अमोनियम क्लोराइड और वाटर। HCl को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड एंड। बच्चों आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमने ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लिया डाइल्यूट, मीन्स वाटर मिक्स किया हुआ, उसके बीच में हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले। जिंक के ग्रैन्यूल्स डालने के बाद हमने पहले इस अपरेटस को सेट किया हुआ है, ये है डिलीवरी ट्यूब, यहाँ पर कॉर्क फिट किया हुआ है लकड़ी का बना हुआ ताकि इसमें से कोई भी चीज़ बाहर ना निकले। इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, जो बबल्स बनते हुए आप देख रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है जिंक ग्रैन्यूल्स की, हाइड्रोजन गैस इसमें से बबल्स के रूप में बाहर निकल रही है। अब इसे यहाँ कोई जगह नहीं मिल रही तो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये इसमें से बाहर निकलेगी। और यहाँ पर हमने साबुन का सॉल्यूशन रखा हुआ है, साबुन के सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो ये सोप का बना हुआ बबल बाहर आएगा। हम जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लेकर आएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है ये नीली फ्लेम, इसमें से नीले रंग की फ्लेम निकलेगी और आवाज़ आएगी पॉप साउंड, जैसे कि इस तरह की आवाज़ आएगी इसमें से। तो ये रिएक्शन है जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक जो कि मेटल है उसे मिक्स किया, साथ ही क्या बनना शुरू हो गया, हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो गई। डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमने यहाँ पर सोप बबल सॉल्यूशन रखा ताकि इसमें जो भी गैस आए वो बबल, इस बबल के अंदर ट्रैप हो जाए और जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होना शुरू हो जाएगी। तो ये रिएक्शन थी, मेटल ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एसिड्स के बीच में से, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो था उसमें पहले से हाइड्रोजन गैस कंटेन होती है तो वो हाइड्रोजन गैस जो है वो उसमें से गायब हो गई है। और हाइड्रोजन गैस उसमें से गायब हो जाने के बाद मिक्स हो जाएगी जिंक के साथ। तो आपको मैंने अभी रिएक्शंस भी बताई थी कि किस तरह से ये जो है मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो है मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। बच्चों ये आप देख रहे हैं आपकी बुक्स में पेज नंबर 20 है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए, हमने टू टेस्ट ट्यूब ली, एक को हमने नाम दिया ए और दूसरे को नाम दिया बी। हमने टेस्ट ट्यूब ए में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाला और टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, और दोनों के बीच में हमने
2 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl को ऐड किया, हमें क्या नज़र आएगा? जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में मेटल का कार्बोनेट डालेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ छोटे 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 बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, ब्रिस्क एफरवेसेंस होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं, ये फनल लगा रखी है यहाँ पर, थिसल फनल, और ये कॉर्क फिट किया हुआ है टेम्परेचर को चेक करने के लिए, और ये डिलीवरी ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब ये जो इसमें से गैस बाहर निकल रही है, पिछले वाले केस में जो गैस बाहर निकली थी वो थी हाइड्रोजन गैस, अब जो इसमें से गैस बाहर निकल रही है क्योंकि यहाँ पर बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं, और ये बुलबुले जो हैं इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप हो जाने के बाद यहाँ पर ये जो गैस कलेक्ट होगी वो होगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि इस लाइम वाटर को मिल्की बना देगी, चूने के पानी को दूधिया बना देगी। तो अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है तो जो लाइम वाटर की जो मिल्कीनेस है वो फिर से गायब हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने के लिए। इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिल्की कर देगी, पर अगर उसके बाद और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलती रहेगी तो वो ये जो अभी मिल्की में टर्न हुआ है इसको फिर से डिसअपियर कर देगी, जो इसका सफ़ेद रंग हुआ है उसको फिर से गायब कर देगी। तो आइए ये देखिए ज़रा, यहाँ हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बना सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये जो सेकंड रिएक्शन है लाइम वाटर लिया था, जो यहाँ टेस्ट ट्यूब में लिया था हमने लाइम वाटर, और ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही थी। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाता है नीचे, वाइट कलर, और वाटर रिलीज होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसके बीच में फिर से पानी मिक्स करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो हमारे पास लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, जो अलग अलग कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म्स हैं, ये सब, इन सब को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से सम अप कर सकते हैं, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट बच्चों, मैंने आपको अभी सम अप करके बताया था कि एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, ये एक्टिविटी आप ध्यान से रीड कीजिए कि एसिड और बेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हमने 2 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डाला। आपको याद होगा फिनोफ्थलीन क्या है, फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है जो कि बेस में डालते ही कलर को पिंक में कन्वर्ट कर देता है। अभी हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर हमारे पास एसिड और बेस दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा। जैसे ही हमने इस बेस के अंदर, ये बेस है हमारा, इस बेस के अंदर हमने फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदें ऐड की तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में एसिड, बेस में हमने फिनोफ्थलीन डाली, रंग हो गया गुलाबी। अब हम उसी में एक एक ड्रॉप करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हैं और फिर टेस्ट ट्यूब को हिला भी रहे हैं साथ के साथ। अब क्या होगा, जो पिंक कलर आया था वो गायब हो जाएगा। अब एसिड मिलते ही फिनोफ्थलीन का रंग बदल क्यों गया? क्योंकि एसिड क्या करता है, एसिड बेस में मिलकर उसका बेसिक करेक्टर ख़त्म कर देता है। अब हम क्या करेंगे, उसी सॉल्यूशन में फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, अब जो कलर है वो फिर से पिंक हो जाएगा। तो ये हुआ क्या, मतलब पहले बेस था, बेस को हमने चेक करने के लिए फिनोफ्थलीन डाला, फिर बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमने उसमें एसिड डाला, एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमने फिर से उसमें फिनोफ्थलीन डाला, चेक करने के लिए कि अब ये जो सॉल्यूशन बना वो क्या है। तो इस तरह से
एसिड बेस के इफ़ेक्ट को कैंसिल करता है और बेस एसिड के इफ़ेक्ट को कैंसिल करता है। तो हमें मिलता क्या है, ये देखिए रिएक्शन, ये है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया गया तो हमें क्या मिला, सॉल्ट और साथ में वाटर। तो आप देख रहे हैं एक एसिड है और एक बेस है, ये बेस है और ये एसिड, दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया तो बना सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन को इस तरह से भी लिखा जाता है, बेस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक कि एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ कैसा बिहेव करता है। अब ये देखिए ज़रा, हमने थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड का जो रंग है वो काला होता है, एक बीकर के अंदर, फिर हमने उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे से मिक्स किया और उसे स्टर किया, हिलाना, मतलब धीरे धीरे हिलाना। अब हमने कलर देखना है कि क्या हुआ, कलर जो है वो चेंज हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड का, वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन के बीच में। ये हुआ कैसे बच्चों, ये देखिए ज़रा, हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया, ब्लू ग्रीन। किस वजह से, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड के अंदर डिसॉल्व हो गया। ब्लू ग्रीन कलर जो है सॉल्यूशन का वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर क्लोराइड के बनने से हुआ है। ये देखिए ज़रा रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ऐसे ही अगर हम कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है ब्लू और साथ में वाटर। बच्चों अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। हमने अभी रिएक्शन देखी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं मेटल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में सॉल्ट एंड वाटर। बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है जिस तरह से एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही बेसिस भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। पर मेटल के ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को हम एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। बच्चों ये आप साइन देख रहे हैं, ये किस चीज़ का बना, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस। ये जो साइन बना हुआ है इसका क्या मोटिव है, ये जितने भी कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं उन पर बॉटल्स पर ये साइन बना हुआ होता है, इसका मतलब क्या है। देखिए अभी मैंने आपको डाइल्यूट एसिड के बारे में बताया था, डाइल्यूट एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं, पानी के बीच में एसिड्स को ऐड किया जाता है, ना कि एसिड के बीच में पानी को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता। यहाँ पर आप देखेंगे वो प्रोसेस जब हम एसिड या किसी बेस को पानी के अंदर घोलते हैं तो वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। केयर मतलब पूरा ध्यान देना चाहिए जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं। एसिड को हमेशा धीरे धीरे पानी में हिलाते हुए ऐड करना चाहिए, और वाटर को अगर हम एसिड में डाल दें तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है जिससे मिक्सचर एकदम से बाहर निकलता है। जैसा कि आपने देखा होगा घरों में, अगर जब तेल गर्म हो रहा होता है, पूड़ियाँ बनाते हैं तो पानी की कुछ बूंदें डल जाएं तो किस तरह से तेल बाहर आ जाता है छिट्टे बन के, बिल्कुल वैसे ही होगा अगर हम एसिड के बीच में पानी को ऐड करें।
और उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और जल भी जाते हैं लोग। तो और जिस कंटेनर के अंदर एसिड डाला हुआ है और आप उसमें पानी मिक्स करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और हीटिंग के कारण वो कंटेनर भी फट सकता है, और इसीलिए उनके ऊपर वार्निंग साइन भी बना हुआ होता है। इसीलिए बना है कि आपको पानी के बीच में एसिड मिक्स करना है, इस बात का ध्यान रखना है, एसिड के बीच में पानी मिक्स नहीं करना, क्योंकि अगर आप एसिड के बीच में पानी मिक्स करते हो तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है और वो उस कंटेनर को भी तोड़ सकती है और आपको बर्न भी हो सकते हैं, मतलब आपकी स्किन भी जल सकती है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है जब हम एसिड या बेस को पानी में मिक्स करते हैं ताकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी कम हो जाए पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, या फिर एसिड या बेस जो है वो डाइल्यूट हो चुके हैं। बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ के बीच में, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। यहाँ आप देखिए, एसिड एडिड टू वाटर, ये करेक्ट है, एसिड को ऐड किया जाता है वाटर में, और ये जो प्रोसेस है जिसमें एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। तो बच्चों, आपको ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं ये सब अच्छे से रीड करनी है, और आगे का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो पूरा चैप्टर है वो समझा दिया जाएगा। टेक केयर बेटा, एंड वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। सेल्फ डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए। थैंक यू। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेस। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम पानी में घोलते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। इनका टेस्ट बिटर होता है और इनको अगर हम टच करें तो सॉपी टच होता है ये, मतलब कि फिसलनदार। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तब ये इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं, मतलब अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमने इसको पानी में डाला तो ये किस तरह से दो टुकड़ों में डिसोशिएट हो गया, सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोशिएट हो गया। बिल्कुल इस तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेसिस जिन्हें हम कहते हैं अल्कलीज। अब स्ट्रॉन्ग क्यों है? ऐसे बेसिस जो पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाते हैं सॉल्यूशन के बीच में, मतलब पानी के बीच में डालते ही वो पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस को अल्कलीज नाम भी दिया गया है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है वीक बेसिस का। बेसिस जो कि पार्शली, मतलब पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं वीक बेसिस। वीक बेसिस के सॉल्यूशन में आयंस भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। एग्जांपल हैं इसके अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट है, बेसिस किस तरह से रिएक्ट करते हैं? व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, जब हम बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये किन दो टुकड़ों में बट जाता है? अभी पीछे भी हमने बताया सोडियम और हाइड्रोक्साइड, KOH को हमने डिसॉल्व किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो देखिए किस तरह से ये भी दो में डिवाइड हो गया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बिल्कुल इसी तरह से डिवाइड हो गया है। अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी, आपको करके भी बताया था कि बेस और एसिड एक दूसरे के इफ़ेक्ट को किस तरह से कट कर देते हैं। तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये एसिड है बना, ये सॉल्ट जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं अपने, जिसे हम कहते हैं नमक, ये वो है, और वाटर। नेक्स्ट बेस ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर। जब
सॉल्ट बेस को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी बेस ले लीजिए, बेस की क्या पहचान है, उसमें OH आयंस होंगे, OH हाइड्रोक्साइड होगा। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला मैग्नीशियम कार्बन कार्बोनेट एंड वाटर। जिस तरह से एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बिल्कुल सेम रिएक्शंस हैं, जिस तरह से एसिड्स रिएक्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बेसिस भी।